नमो बुद्धाय। ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है चेतना करणीय सूत्र। चेतना करणीय, चेतना उत्पन्न होने के बारे में बताया गया सूत्र। चेतना करणीय, हर एक सूत्र को ध्यान से सुनना है, मिस हो जाएगा। ये भी श्रावस्ती में हुआ है, बताया भगवान बुद्ध। भिक्षु जो सील सुरक्षा करता है, वो सीलवान व्यक्ति को ऐसा अलग से प्रार्थना करना जरूरत नहीं कि मेरा मन की पछताव अफसोस मिट जाए, ऐसा प्रार्थना करना जरूरत नहीं है। सील सुरक्षा करने वाले सीलवान व्यक्ति को पछताव नहीं होना नियम धर्म है, सनातन सत्य है। यानी कि नियम धर्म मतलब क्या है? जन्म लिया हुआ व्यक्ति मर जाता है, वो नियम है। जन्म लिया हुआ व्यक्ति बीमार पड़ता है, नियम है, नियम धर्म है, किसी को चेंज नहीं कर सकता है। वैसा एक नियम है, सीलवान व्यक्ति अलग से प्रार्थना करना जरूरत नहीं, मेरा टेंशन, मेरा परेशान, मेरा पछताव दूर हो, ये सब प्रार्थना करना जरूरत नहीं है। सील सुरक्षा करने वाले सीलवान व्यक्ति का एक नियम धर्म है, वो उसके पास पछताव नहीं होता है। अभी वही सूत्र है ना, दूसरा प्रकार से बता रहे जा रहे हैं। इसको बताया, भिक्षु जो पछताव नहीं है, अफसोस जिसके पास नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा प्रार्थना कर, ऐसा चेतना उत्पन्न करके प्रार्थना करना जरूरत नहीं है कि मेरे पास प्रमोदित उत्पन्न हो, ऐसा प्रार्थना करना जरूरत नहीं है। जिसके पास पछताव, चिंता, अफसोस नहीं है, उनके पास प्रमोदित उत्पन्न होना धर्मता है, नियम धर्म है। इसके बाद भिक्षु जो प्रमुदित लोग, ऐसा प्रार्थना करना जरूरत नहीं है कि मेरे पास प्रीति उत्पन्न हो जाए, मुझे प्रीति उत्पन्न हो जाए, ऐसे प्रार्थना करना कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रमुदित लोगों को प्रीति उत्पन्न होना धर्म है, सनातन सत्य है, नियम धर्म है। भिक्षु, भगवान बुद्ध ने बताया, भिक्षु प्रीति मन वाले लोगों को ऐसा अलग से चेतना प्रार्थना जरूरत नहीं है कि मेरा शरीर हल्का हो जाए, क्योंकि भिक्षु प्रीति प्रीति मन से रहने वाले लोगों का शरीर हल्का हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है। भिक्षु शांत होने वाले शरीर वाले लोग मुझे शारीरिक सुख प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना करना कोई ज़रूरत नहीं। शारीरिक मानसिक सुख है ना, सुख प्राप्त हो, ऐसा अलग से प्रार्थना करना जरूरत नहीं है। जिसका शरीर शांत हो गया है, उसको शारीरिक सुख मिलना नियम धर्म है। भिक्षु सुखी से रहने वाले व्यक्ति मेरा मन में समाधि उत्पन्न हो जाए, ये सब प्रार्थना करना बेकार है, कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसको शारीरिक मानसिक सुख है, उसको जरूर
समाधि उत्पन्न हो जाता है, वो नियम धर्म है। समाधिवान लोग ऐसा अलग से प्रार्थना करना जरूरत नहीं है कि मुझे आर्य सत्य उसी प्रकार से ही मुझे जानकारी हो जाए, मुझे जानने का भाग्य मिले, इसे प्रार्थना करना कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मन में समाधि है तो, चित्त समाधि है तो उनको वो सच्चाई को सत्य प्रकार से जानना नियम धर्म है। सच्चाई को सत्य प्रकार से जानने वाले लोगों को ऐसा प्रार्थना करने जरूरत नहीं है। अवबोध से ही मेरा मन अनासक्त हो, अवबोध से ही हर एक चीज से मेरा मन अनासक्त हो, ऐसा प्रार्थना करने जरूरत नहीं। क्योंकि सत्य को, आर्य सत्य को उसी प्रकार से ही देखने वाले लोगों का मन में अनासक्त उत्पन्न हो जाता है। अवबोध से ही अनासक्त हुए लोग जो कोई हो गया है, उन लोग इसी प्रकार प्रार्थना करना जरूरत नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए सारी चीज़ों से मेरा मन मुक्त हो जाए, इस प्रार्थना करना जरूरत नहीं। क्योंकि अवबोध से ही अनासक्त जो होता है उन लोग सारी चीज़ों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार खुद सारी चीज से मुक्त हो गया ना, यही ज्ञान, यही फायदा मिलता है। कैसे? अवबोध से ही अनासक्त होने से। अवबोध से ही अनासक्त होने का फायदा, लाभ कैसे मिलता है? सच्चाई को, आर्य सत्य को उसी प्रकार से ही देखने से। आर्य सत्य को उसी प्रकार से ही देखने का फायदा कैसे मिलता है? समाधि से। समाधि उत्पन्न होने का कारण क्या है? शरीर का सुख, शारीरिक सुख उत्पन्न होने का कारण क्या है? शरीर शांत होना, शरीर हल्का होना। शरीर शांत हल्का होना का फायदा कैसे मिलता है? प्रीति से। प्रीति उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रमुदित। प्रमुदित से प्रबोध है ना, प्रमुदित। प्रमुदित उत्पन्न होने का कारण क्या है? मन का पछताव, अफसोस, चिंता नहीं होना। मन का अफसोस, पछताव नहीं होने का कारण क्या है? कुशल सील। ऐसा है तो संसार नाम का, संसार सागर को पार करके विमुक्ति की ओर जाना चाहेंगे तो ये एक लाइन में, एक बाय एक ये सारे धर्म को जानना जरूरत है। क्योंकि इसी प्रकार से ही जो कोई व्यक्ति है उनका इसी प्रकार से ही हर चीज होते जाता है। ऐसा है तो सिर को सुरक्षा करना बहुत फायदा है, जरूरी है। तो आप लोग उसके लिए भाग्य मिल जाए। ये सूत्र पर इसका नाम क्या है? चेतना करनी सूत्र। साधु साधु साधु।